बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं इमली का सैलेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये सालन के साथ, पकौड़ों के साथ, फ्राइज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने तकरीबन जो है 1.5 गिलास पानी ले लिया है और उसमें 1 पाव जो है इमली डाल देनी है। इमली डालने के बाद आपने इसमें छोटी 10 से 12 खजूरें ऐड कर लेनी है। अब इसे जो है पकने देना है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए, खजूरें जो है वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसे चमचे से हम हिला लेंगे ताकि वो जो एकदम से इमली जमी हुई जो है ना, इकट्ठी हुई है, वो अलहदा अलहदा हो जाए। ये देखिए इमली जो है अलहदा अलहदा हो गई है। अब हम इसे पका लेंगे अच्छी तरह। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर इसे ठंडा कर लेंगे। अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी है तो इसमें 1 चम्मच जो है वो चीनी का भी ऐड कर लें। अब इमली की जब इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए तो अब आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ये हमारा इमली का पल्प जो है वो तैयार रेडी हो गया है। अब हम इस इमली के पल्प को ग्राइंडर में शिफ्ट करेंगे। एक गुठी हम पुदीने की शामिल करेंगे इसमें। एक जो है इसमें सब्ज मिर्च जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली का पानी ऐड करेंगे। जो गुठलियाँ मैंने निकाली थी उसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया तो ये पानी बन गया। अगर आपको नहीं बना तो आप सादा पानी में इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे। एक चम्मच भर के इसमें चाट मसाले का ऐड करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। गर्मियों में आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हमारी मज़ेदार इमली की सॉस जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इस सॉस से जो है एक मैं आपको सैलेड बनाना सिखाऊंगी और इस सॉस को आप अपने दही भल्लों में, चना चाट में और पकौड़ों के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। ये मैंने एक खीरा काट लिया था और एक छोटा प्याज और एक सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। बारीक बारीक आपने सारा कुछ काट लेना है। अब जो इमली की सॉस बनाई है वो 4-5 चम्मच है इसमें शामिल करें। मज़ेदार इमली का खट्टा मीठा और तीखा सैलेड तैयार है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।